उत्तर प्रदेश के हाथरस की बिटिया के केस में सीबीआई ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में सीबीआई ने SC ST एक्ट, हत्या और गैंगरेप की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की बिटिया के केस में आज न्यायालय में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोप पक्ष के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि सीबीआई ने मृतक बिटिया के 22 सितंबर के मृत्यु पूर्व के बयान के आधार पर मानते हुए मामले के चारों आरोपी युवकों संदीप, रवि, लवकुश और रामकुमार के खिलाफ SC ST एक्ट, गैंगरेप और हत्याओं की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। जो संदीप पहले उन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया, उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर दो लवकुश और रामकुमार बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि बैंक रिलेशन है उसमें, जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दी है। किन किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC ST एक्ट है, 354 है, 376 A, 376 D, 302 में से। तो आप आरोपियों की, हाँ अभी, हाँ जी बात करनी है आरोपियों की तरफ से। जी जी,